ममता आज पहली बार मेरे साथ अकेली कमरे में आई थी। मैंने एक सरकारी दफ्तर के ऊपर कमरा किराए पे ले रखा था। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने ताला खोला और किसी अदबदार दरबान की तरह दरवाजे को पकड़कर सिर झुकाते हुए हाथ से इशारा करते हुए उसे अंदर आमंत्रित किया। वो भी हंसी को दबाकर सदे हुए पैरों को इतरा कर रखती हुई अंदर आई और बस करो के अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। सामने एक सोफा पड़ा था जिसकी मुंह खुली हुई बालकनी की तरफ था। बाई तरफ मेरा राइटिंग टेबल जिसके साथ ही रसोई थी। दाई तरफ एक अलमारी जिसके साथ ही बेडरूम था। जाहिर सी बात है, 3 मंजिला इमारत चढ़कर प्यास तो सभी को लग जाती है। मैंने कहा, प्लीज बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। और वो रहा वॉशरूम, मेरे घर में सबसे साफ सुथरी जगह। वो मुस्कुराते हुए अच्छा में सर हिलाने लगी। मैं पानी लेने किचन में चला गया। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जब कोई लड़की मेरे साथ अकेले कमरे में आती है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ और तुम लोग क्या करते हो। लेक्चर के शुरू से लेकर एंड तक ये ध्यान रखना, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है। इस लेक्चर में कई स्टेप्स है और हो सकता है कि किसी लड़की के साथ मेरी कहानी किसी भी एक स्टेप पर ही खत्म हो गई हो, तो मैं अगले स्टेप में वैसे ही किसी दूसरी लड़की की कहानी बताने लगूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि आगे क्या करना है। ममता पहली बार मेरे साथ अकेली इस कमरे में आई थी, पर ममता पहली लड़की नहीं थी जो अकेली इस कमरे में आई थी। कई सिर्फ पानी पीकर चली गई, कईयों ने सिर्फ खूब सारे बातें की और कई थोड़ी देर बाद खुद ही मुझसे चिपकने लग पड़ी। लेकिन यहाँ तुम्हें ममता की कहानी स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा और कुछ कुछ खास बातें ही बताऊंगा, क्योंकि जो अब बीच में आने वाला था वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब सिर्फ काम की बातें होंगी। मैंने ममता के साथ कमरे में बहुत सी बातें की, पर मैं तुम्हें सब बातें ना बताकर कुछ कुछ खास बलों पर काम करना सिखाऊंगा। बातें तो तुम कर ही लोगे, वो तुम लोग ज्यादा ही करते हो। बातों पर कम, खामोशियों पर ज्यादा काम करना है। नहीं, मैं तुम्हें कोई जादुई डायलॉग बोलना नहीं सिखाऊंगा जिसे बोलते ही लड़की पड़ जाएगी। बातें कुछ ही देर तक साथ देती है, बातें थोड़ी देर ही प्यार को संभाल पाती है, बातें मन को भटका देती है। मैं एक चमकते हुए कांच के गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। देखा तो वो सोफे के बजाय राइटिंग टेबल पर अपने व्हाइट सैंडल उतारकर पैरों को आराम देने के लिए उसे ताजी हवा में झुला रही थी। सामने खुली बालकनी से नजर आते हवा से हिलते हुए पेड़ों को देखते देखते उसने मेरे हाथ से गिलास पकड़ा और छोटे छोटे घूंट भरती हुई पाँव हिलाती रही। मैं चुपचाप बिना उसे डिस्टर्ब किए चलता हुआ सोफे के एक तरफ कोने में जाकर बैठ गया और मेरे फोन से किसी के मैसेज का रिप्लाई करने लगा। उसमें और मुझ में लगभग 15 कदमों की दूरी थी। उसने वही टेबल पर बैठे बैठे पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस 5 मिनट, कुछ ज़रूरी मैसेज का रिप्लाई कर लो। मैं जानबूझकर उसे अकेले वक्त देना चाहता था। मैं पूरी तरह उसकी तरफ पीट करके बैठ गया। आमतौर पर कोई लड़की तुम्हारे साथ अकेले कमरे में आए तो तुम उस पर टूट पड़ते हो, छूना, गले लगाना, चूमना। तुम्हारे मन में ये ख्याल होता है कि मुश्किल से मिले इस मौके को पूरा फायदा उठाया जाए, फालतू बातों और नखरों में वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुंचा जाए। क्या तुम घर आए मेहमान को नोचना शुरू कर देते हो कि दिखा तेरे जेब में क्या है? नहीं ना, तुम उसके आराम का ध्यान रखते हो, चाहते हो वो अपने घर से दूर जिस दबाव को भूलने आया है उससे दूर यहाँ शांति से बैठ सके। याद रखना, जहाँ खामोशी होती है वहाँ प्यार होता है और जहाँ बातें होती है वहाँ बाजार। बाजार बातों से चलता है, दिमाग सिर्फ बातों से प्रभावित होता है और दिल खामोशी को पसंद करता है। तुम ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते जो प्यार को जिंदा रख सके। प्रेमी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं दिन रात, इसलिए वो झगड़ते हैं। जहाँ बातें होती है वहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ बस झगड़े होते हैं। तुम जिससे बातों वाला प्यार करोगे उसे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसे लगने लगेगा वो तुमसे भी ज्यादा बेहतर चीज डिजर्व करता है और वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। मगर खामोशी प्यार को पालता है। मैं चाह रहा था कि ममता इस कमरे को पसंद करे। यहाँ उसे किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ आराम करने आई है, मेरा कोई काम करने नहीं। जैसे तुम्हें वो अड्डा पसंद होता है जहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ घंटों अपना वक्त बिताते हो बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक दबाव के। समाज, रिश्तेदार, माँ बाप हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। उस मानसिक गुलामी से दूर जहाँ तुम्हें आजादी की सांस मिलती है, वो तुम्हारे किसी दोस्त का कमरा हो सकता है, कोई चट्टान, नदी का किनारा, गहरे जंगल में कोई पेड़ जिसका तुम्हारे घर वालों को अंदाजा भी ना हो। मैं चाह रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कमरे की खामोशी, तन्हाई को, अकेलेपन को, बोरियत को महसूस कर सके। वो कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। मैं हल्के फुल्के जवाब दिए जा रहा था। अभी 90 सेकंड ही बीते थे कि वो अचानक चुप हो गई और कलाई की जोर पर उठकर खोई खोई सी बालकनी की तरफ चलने लगी। नहीं, मैं उसे देख नहीं रहा था, मैं जानता था ये पल सब कुछ है। इस पल वो सब कुछ भूल गई। मैंने अपनी सांसें तक रोक ली। उसने बालकनी में जाकर अपनी बाहें फैलाकर एक लंबी सांस खींची, आजादी की सांस। थोड़ी देर रोककर फिर जोर से छोड़ी। इसी आजादी की सांस के लिए एक लड़की तरस रही होती है जिसकी वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होती है। उसकी झुमकों की आवाज से मैं समझा कि उसने अपने खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ पलटा। सुनकर मैं भी एक अच्छी स्माइल के साथ उसे देखा और अपना फोन साइड में रखते हुए कहा, बस हो गया। वो थोड़ा चलती हुई आई और सोफे के दूसरे किनारे आकर बैठ गई। ना यहाँ टीवी है, ना कोई रूममेट, तुम बोर नहीं होते?
मैंने कहा तुम हो ना। उसने अपना मुंह पिचका लिया और ये देखो मेरे पास म्यूजिक है। मैंने अपने आईपॉड के हेडफोन को उसके कानों में लगाते हुए मेरे पैरों को सोफे के नीचे रख लिया। म्यूजिक शुरू होते ही वो दूसरी दुनिया में खो गई। वो निसंकोच पैरों को हिलाती हुई गीत सुनने लगी। लेट हर टेक हर टाइम, वो तुम्हारे साथ यहाँ अपना वक्त बिताने आई है, उसे उसका वक्त दो, वो तुम्हें अपना वक्त देगी। वक्त ही सब कुछ होता है। तुम भी अहरे गहरे को अपना वक्त नहीं देते, किसी खास इंसान के लिए अपना वक्त बचा कर रखते हो। वक्त देना आजादी है, प्यार है। लोगों का इस्तेमाल करने की जल्दी मत करो, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मैं ये सोचूं कि इस अकेली लड़की का कैसे फायदा उठाया जाए। गाना खत्म हुआ और वो मेरे पास आकर बैठी और बोली ऐसा ही एक और गाना लगाओ। मैंने उसके हाथ से आईपॉड लिया और नया सॉन्ग ढूंढने लगा। खैर मैं उसे कोई नया सॉन्ग नहीं सुनाने वाला था, मैं उसे यह गाने सुनाने थोड़ी ना लाया था, पर फिर भी ढूंढने का नाटक करने लगा। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास लाकर स्क्रीन को देख रही थी। मैं ढूंढता ही जा रहा था। उसकी गर्दन थकी तो उसने अपना गाल मेरे कंधे से टिका दिया। मैं ढूंढता ही जा रहा था। उसके नर्म गाल की गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी, जो और गर्म होती ही जा रही थी। मैंने भी लंबी लंबी सांसें खींचनी शुरू की। उसने अपना सिर भी मेरे गले से चिपका दिया और मैंने उस प्यारी सी परी को चूम लिया।